दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही बताएंगे आपको कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रोक पेशेंट के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ प्रीमियम कंटेंट है जो सिर्फ हमारे चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली हमारे दिमाग में ब्लड पहुंचाने वाली किसी भी नली के अचानक ब्लॉक होने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे लकवा नाम की बीमारी हो जाती है। 20% मामलों में होता है हेमरेज। स्ट्रोक के सभी मामले में हेमरेज होना ज़रूरी नहीं है। जब दिमाग में कोई रक्त नली का फट जाती है जिससे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। स्ट्रोक के करीब 80% मामले क्लॉटिंग और ब्लॉकेज के होते हैं, जबकि 20% मामले हेमरेज के होते हैं। लकवे के प्रमुख कारण की अगर मैं बात करूं तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जिसको कि हम मधुमेह कहते हैं, हार्ट की बीमारी, धूम्रपान, खून की नलिकाओं में रक्त का थक्का जमना। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों स्ट्रोक के अंदर होता क्या है कि बोलने और समझने में परेशानी होती है, चेहरा हाथ पैर सुन्न हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आना। इसके इलाज की अगर मैं बात करूं कि लकवाग्रस्त मरीजों को समय से अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए तो उनकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। लकवे में न्यूरो फिजियोथेरेपी का बड़ा योगदान है। न्यूरो फिजियोथेरेपी में चिकित्सक लकवाग्रस्त मरीजों के वाइटल नॉर्मल होने के पर विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज और मशीन उपकरणों द्वारा मरीजों का इलाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स मरीज को पोजीशन और हाथ पैर की मूवमेंट करवाते हैं और फिर सांस की एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके बाद रोलिंग करवाते हैं जिसमें दोनों साइड बॉडी को घुमाते हैं और टर्न करते हैं। उसके बाद उल्टा बैठाकर हाथ और पैर पर वजन डालते हैं, जिसे हम क्वाड्रीपोड पोजीशन कहते हैं, और फिर खड़ा होना सिखाते हैं और फिर वॉकर के सहारे धीरे धीरे चलाते हैं। फिर हाथों की सटीक मूवमेंट करवाने के लिए फंक्शनल मूवमेंट करवाते हैं। और इस तरीके से स्ट्रोक के अंदर पेशेंट्स की रिकवरी फिजियोथेरेपी के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया है आपको स्ट्रोक के बारे में और ये बताया है किस तरीके से स्ट्रोक में फिजियोथेरेपी एक अहम रोल पैदा करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।